उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। 403 विधानसभा सीटों का मुकाबला वोट महाकुंभ से कम है। हर दल के सुरमा युद्ध के तमाम दांव आजमाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव को पता है कि सभी समीकरण एक तरफ होंगे और युवाओं की ताकत एक तरफ, इसलिए उनका पूरा जोर अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने पर है। पंचायत चुनाव के नतीजों ने सपा की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्टी को चिढ़ाने वाला साबित हो रहा है। इसमें भाजपा का पावर प्लान अब तक सपा पर भारी पड़ा है। अब नजर 3 जुलाई पर लगी है। शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश ने विरोधियों को सीधे ललकारा। अड़तालीस के अखिलेश की 22 वाली हुंकार। जन्मदिन पर आर पार के इरादे की नई धार। कार्यकर्ताओं के साथ अगली लड़ाई की शपथ। ये समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी नेता आज के दिन आकर के मिलते हैं, ये मुलाकात है। और पॉलिटिकल लोग हैं तो आने वाले समय में जो लड़ाई लड़नी है उसका भी संकल्प लेकर के जाते हैं। चाहिए जीत वाला तोहफा, जनता से मांगा मौका। जिस तरह का माहौल है, मुझे उम्मीद है कि जनता एक बार मौका समाजवादियों को देगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए सीधी ललकार। लुका छिपी वाले उलटफेर पर सवालों की बौछार। भाजपा पर तीखा निशाना, याद दिलाया लड़ाई का पैमाना। पूरे पुलिस प्रशासन और पैसे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बसपा को चुभने वाला चैलेंज, निलंबित विधायकों का खेमा चेंज। अखिलेश का लाल टोपी अलर्ट। बात तो चुभेगी। जीत हार के गणित को जिसने समझ लिया वो सियासत में आगे तक जाता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने 2017 से लेकर 2019 तक के प्रयोगों से बड़ा सबक लिया। इस बार उन्होंने छोटे दलों को साथ लेने का जो दांव चला है उससे विरोधियों में खलबली है। अखिलेश यादव विरोधी दलों से टूटे धड़ों को भी छोटे दल में बदलना चाहते हैं। उनके इस रणनीति से बसपा से लेकर भाजपा तक चौकन्ना है। अखिलेश के चुनावी तेवर की जो झलक आज जन्मदिन पर दिखी वो ये बताने को काफी है कि राजनीतिक विरोधियों से भी औपचारिक संवाद जारी रहेगा, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी चालें चली जाएंगी जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगेगी। अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मिले, जमकर बधाइयां स्वीकारी, समर्थकों में जोश भरा। अखिलेश ने 2022 में भाजपा से आर पार की लड़ाई के लिए छोटे दलों का साथ लेने की अपनी बड़ी रणनीति का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करने जा रही है। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। तो अभी जो मीटिंगें हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने कई दलों से बैठक की। जो दल नाराज थे उन दलों को बहुत सारे वादे किए गए थे और उन्होंने खुला कहा है कि उनके वादे पूरे नहीं हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपने दलों को संभालें जो उनके गठबंधन में थे। इससे पहले राजनीतिक तल्खी को किनारे रख सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी, ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने फोन पर भी बधाई दी। पूरी गर्मजोशी से औपचारिकता पूरी हुई, लेकिन सियासी आर पार में भी कोई कमी नहीं आई। अखिलेश यादव ने डॉक्टर्स डे पर देश भर के डॉक्टरों को बधाई दी, लेकिन इसके जरिए योगी सरकार पर तंज करने से भी नहीं चूके।
सपा अध्यक्ष ने लिखा, नेशनल डॉक्टर्स डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना काल में जबकि भाजपा सरकार बुरी तरह नाकाम है, डॉक्टरों ने ही आगे आकर मोर्चा संभाला है। उन्हें चतुर्दिक सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। डॉक्टर जीवन की आशा का दूसरा नाम होता है, यानी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ अखिलेश यादव ने भाजपा को सीधे निशाने पर लिया, तो दूसरी तरफ बसपा के निलंबित विधायकों को सपा ने अपने पाले में दिखाकर बसपा को भी सीधा संदेश दे दिया। अखिलेश के जन्मदिन को बसपा के बागी विधायकों ने भी मनाया। श्रावस्ती में बसपा के बागी विधायक असलम रायनी सपा के दफ्तर पहुंच गए, अखिलेश के जन्मदिन पर केक काटा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका आने वाला जन्मदिन बहुत ही अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता जो उनको बहुत ही भरी निगाहों से देखना चाहती है, वो उनका अगला जन्मदिन किसी और रूप में मनाए तो जनता उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। पिछले दिनों असलम रायनी बसपा के 12 विधायकों के समर्थन से नई पार्टी बनाने की बात कहकर चर्चा में आए थे। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। इस बीच जन्मदिन पर बसपा से निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। ये मुलाकात लखनऊ में हुई। इशारा साफ है कि रायनी और भार्गव समेत बसपा के बागी विधायक जल्द ही सपा में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लें, छोटे दलों से सभी से गठबंधन हो। जाहिर है मायावती के लिए इससे ज्यादा चुभने वाली तस्वीर कुछ और नहीं हो सकती। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। तो 48 के अखिलेश और हुंकार है 22 वाली। हमारे साथ जूही सिंह जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी की नेता प्रवक्ता है। जूही जी आपका स्वागत है बीपी गंगा में। इससे पहले कि हम जूही सिंह जी के पास चले, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जिस सियासी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं उसको जानना बेहद जरूरी है। जी हां, चुनाव को भाजपा बनाम सपा बनाना ये सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार करना और सीधे योगी और मोदी सरकार को टारगेट करना, ममता बनर्जी की तरह अकेला चेहरा बनना, पंचायत चुनाव को सपा के पक्ष में बताना, सपा कार्यकाल में विकास की याद दिलाना, पोस्टर बैनर पर खुद का चेहरा आगे करना और दूसरे दलों से नाराज नेताओं को अपने पाले में लाना, यह रणनीति है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को। इस रणनीति में वो कामयाब होते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव के रणनीति में 10 हथियार है। देखिए, आक्रामकता यानी तेवर दिखने चाहिए और सीधा हमला, बीच की बात नहीं कि उनके साथ भी इनके साथ भी, सीधे जनता के साथ कनेक्ट करना, धारदार तैयारी, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, इसके लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। छोटे दलों को साधना, विरोधी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी और जमीनी स्तर पर ज्यादा संपर्क करना, युवाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन बनाना। आप देखिए, जो मुलायम सिंह यादव के वक्त के नेता थे उनको भी अखिलेश यादव दोबारा से अपने पाले में ले आए हैं। सरकार के हर नाकामी को भुनाना और साफ सुथरी इमेज बनाना, क्योंकि ये इमेज अखिलेश यादव की एक बड़ी ताकत है जो उनको अपने परिवार के भीतर या अपने पार्टी के कई पुराने नेताओं से बिल्कुल अलहदा करती है। तो ये तमाम वो रणनीतियां हैं और ये तमाम उस रणनीति के हथियार हम आपको बता रहे हैं। और अखिलेश यादव जिस तरह से रोज की उनकी पोजिशनिंग है वो यही है कि किस तरह से ज्यादा लोगों के बीच में, और अभी कोरोना काल है तो कोरोना काल में जनता से ज्यादा संवाद करना, सीधे फील्ड में जाना मुश्किल है, तो ऐसे में छोटे दलों के नेताओं से संपर्क, पुराने नेताओं को से बातचीत यानी संवाद कायम करना, ये कोशिश जारी है। जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जूही जी, अखिलेश यादव 48 के आज हुए हैं, तैयारी 22 वाली है, तो ये माना जाए कि जो छोटे दलों को साथ लेने की जो रणनीति है इस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो एक अलग तस्वीर दिखाई दी वो ये
कि जो बसपा के बागी थे उन्होंने भी आज लाल टोपी पहनी और अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। क्या कहना आपका, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी कामयाब रहेगी इस चुनाव को सीधा बीजेपी वर्सेस सपा बनाने में? रोहित जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बेहतरीन नेता हैं, जैसा आपने कहा, सामंजस्य, संवेदनशीलता और संतुलन बनाना वो जानते हैं। साथ ही यदि और कोई अन्य पार्टी से आ रहा है तो उसको पूरा सम्मान देना भी समाजवादी पार्टी जानती है। दूसरी बात कि हमें यह चुनाव जीतना है 2022 का, तो रणनीति के साथ साथ कूटनीति का भी इस्तेमाल होगा। जोश समाजवादी पार्टी में बहुत है, हमारा संगठन बड़ा है, हमारे कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही होश से भी काम लेना होगा। तो जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे, हमारे सामने ऐसी ताकतें हैं जो आपने खुद बताया कि जिनका प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास धन बहुत है, बल बहुत है, और हमारे सामने हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास एक संगठन है जो वफादार है, तो अनुशासन में भी रहा जाएगा और एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव को लड़ा जाएगा। रणनीतियाँ बदलती भी रहेंगी और जो चुनाव जीतेगा, मुझे लगता है अध्यक्ष जी खुद और जो वरिष्ठ नेता हैं वो निर्धारित करेंगे कि चुनाव लड़ेगा कौन। बाकी समाजवादी पार्टी जो भी कैंडिडेट होगा उसका समर्थन करेगी और हमारा काम होगा उसको जिताना। जी जूही जी, मेरा एक आपसे सवाल ये है, इसीलिए हम आपसे बिल्कुल सीधा संवाद कर रहे हैं। अभी इस डिबेट में हमने किसी और को अभी तक शरीक नहीं किया, ताकि देखिए एक बड़ी बात है जो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल एक केस स्टडी बन चुका है अभी मौजूदा जो वर्तमान स्वरूप है राजनीति का। वहां पर ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हुआ, तो जब ये सीधी टक्कर हुई तो ऐसी टक्कर में वहां पर भी देखिए लेफ्ट था, कांग्रेस थी, लेकिन जब वो कहीं नहीं दिखे तो ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले जो बड़ी कामयाबी थी उनकी ये थी कि वो अकेली नेता दिखी, अकेली नेता चुनाव लड़ रही थी। तो क्या समाजवादी पार्टी भी इसी रणनीति में, क्या आपको लगता है कि बसपा और या कांग्रेस इस तरह से पोजिशनिंग नहीं ले पाएंगे जिस तरह से आप, क्योंकि अगर ये चुनाव में बसपा और कांग्रेस आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान सपा को ही होगा। जूही जी, रोहित जी, बसपा तो शायद अपना डिक्लेरेशन एक कर भी चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो अराजकता और अन्याय से भरा हुआ है, जिसमें प्रशासन का पूरा उपयोग हो रहा है, उसमें भी बसपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, तो आप जिला पंचायत सदस्य क्यों लड़े थे? एक विरोधाभास है इसमें। इस पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन पार्टियों का रास्ता लोगों के सामने क्लियर होता जा रहा है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ सुविधा अनुसार रहेगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, हमने 2017 में, हमारे सामने भी बड़ी चुनौती थी और तब भी नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का ही था, वो मुख्यमंत्री थे, हम अपने सिंबल के लिए भी उस समय लड़ रहे थे। तो कांग्रेस अपना संगठन बना रही है, वो लड़ेगी, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है रोहित जी। जी चलिए ठीक है, लेकिन जूही जी हमारा सवाल वही है कि जब ये जंग सीधी होगी तभी ये जंग निर्णायक होगी। ये हालांकि इस रणनीति पर आपकी पार्टी चलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से जिस आक्रामकता के साथ धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं उसी स्थिति में जाते हुए दिख रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि क्या आप चुनाव से पहले ये एक बड़ा हर्डल नहीं है, क्या एक बड़ी चुनौती नहीं है कि लोगों के बीच में इस तरह की पोजिशनिंग लेना? जूही जी, रोहित जी, जनता इसको ऑलरेडी एक सीधी जंग बना चुकी है, जो हमने जिला पंचायत सदस्य के चुनावों में देखा। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हर मोड पर, उनकी हर दुर्व्यवस्था पर, उनके हर फेलियर पर प्रश्न करती रही है। जगह जगह हमने कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए आंदोलन भी किया और जनता के बीच भी गए हैं। तो जनता का चुनाव है, ये तो सीधी एक लड़ाई है ही। बाकी दल आए और भी अन्य दल आएंगे, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता एक निर्णायक जनादेश देती है और वो खुद ये निर्णय कर लेती है चुनाव आते आते कि किन दो पार्टियों में चुनाव होगा। सीधा चुनाव हम पिछले 3 चुनावों से लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जी आप हमारे साथ बने रहिए। बसपा की बात करना जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में ये जंग अखिलेश वर्सेस बीजेपी हो पाएगी, अखिलेश वर्सेस योगी हो पाएगी, या बसपा और कांग्रेस भी इस जंग को लड़ती हुई दिखेंगी। अब बात बसपा सुप्रीमो मायावती की कर लेते हैं। मायावती चाहे ट्विटर पर कुछ भी लिखें या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोले, उनका हर एक एक शब्द नपा तुला होता है। जो भी बात वो कहती है उसके गंभीर मायने होते हैं।
आज मायावती ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। तीनों ही ट्वीट के अगर मतलब खोजे जाए तो उसमें सरकार पर सवाल भी है और सियासी रणनीति भी। मायावती देश की राजनीति के दिग्गज नेताओं में एक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनावी धूप छाव में कैसे राजनीतिक दांव चलना है, इसमें उन्हें महारत है, इसलिए उनके आज के तीन ट्वीट पर चर्चाएं तेज हैं। आज इसका मैं विश्लेषण करूंगा, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मौसम चुनावी है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होना है तो 2022 के लिए तमाम दल मैदान में तैयारियों का शंखनाद कर रहे हैं। ऐसे माहौल में बसपा क्या कर रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को एक के बाद एक तीन ट्वीट किए, इसमें कुछ बातें चौंकाने वाली हैं। पहले इसका मजमून समझ लें, फिर पूरा ट्वीट दिखाएंगे। पहले ट्वीट में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई, इसे दुखद बताया। दूसरे ट्वीट में युवाओं और शिक्षित बेरोजगारों के बुरे हाल के लिए भाजपा कांग्रेस को बराबर का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन तीसरे ट्वीट में दे डाली भाजपा को गंभीरता से सोचने की नसीहत। नसीहत ये कि कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते रहे तो कांग्रेस जैसी दुर्दशा हो जाएगी। अगर बसपा प्रमुख के ट्विटर हैंडल से हुए इस ट्वीट पर गौर करें तो दो बड़े संकेत सामने आते दिखते हैं। पहला, भाजपा पर सीधा हमला बोलने में बसपा के सुर सधे दिखाई पड़ते हैं, आर पार वाले तेवर नजर नहीं आते। दूसरा, ये भी लगता है कि बसपा को भाजपा की चिंता है, चिंता इस बात की कि कहीं उसकी राजनीतिक सेहत कांग्रेस की तरह ना हो जाए। हम यहाँ ये दोहरा देना चाहते हैं कि हम ऐसा सिर्फ इन तीन ट्वीट की भाषा के आधार पर कह रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसके लिए इन तीनों ट्वीट पर एक एक कर नजर डाल लेते हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा कि यूपी और पूरे देश में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी आदि करने को भी मजबूर हैं, तथा उनके माँ बाप और परिवार जो ये सब देख रहे हैं उनकी व्यथा को समझा जा सकता है। ये दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और अति चिंताजनक है। यहाँ ऐसा लगता है कि बसपा यूपी में चल रहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के आंदोलन की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन खुलकर पहले ट्वीट में कुछ नहीं लिखा गया। दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा है, बीएसपी देश में नौजवानों के लिए ऐसी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बराबर का जिम्मेदार मानती है, जिसने लंबे अरसे तक यहां एक छत्र राज किया और अपने कार्यकलापों की भुक्तभोगी बनकर कांग्रेस केंद्र, यूपी और कई राज्यों की सत्ता से बाहर हो गई। इस ट्वीट से ये लगता है कि बेरोजगारी के मुद्दे को पार्टी शिद्दत से उठाना चाहती है, लेकिन तीसरा ट्वीट दिलचस्प है। यदि बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही चलती रही तो फिर इस पार्टी की भी वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस की हो चुकी है, जिस पर बीजेपी को गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी ऐसी नीति और कार्यकलापों से न तो जन कल्याण और न ही देश की आत्मनिर्भरता संभव हो पा रही है। अगर इस आखिरी ट्वीट पर गौर करें तो ये चुनावी मौसम में विरोधी पर धारदार हमले की नहीं, उसके लिए नसीहत की भाषा ज्यादा लगती है। अब सवाल है कि क्या बसपा को भाजपा की चिंता है इसलिए वो उसे नसीहत दे रही है, या फिर सियासी हमले की ये भाषा एक रणनीति का हिस्सा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ सतीश प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जूही सिंह जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं, बसपा की छवि आर पार की बात करने वाली पार्टी की नहीं है, इसलिए जब सीधे हमले की जगह संतुलित अटैक दिखता है तो फिर चर्चा जरूरी है। हम आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा की खिंचाई के बाद उसे कांग्रेस या सपा की तरह या उसके बराबर का
जिम्मेदार बताना नहीं भूला। देखिए, सीधा हमला नहीं, संतुलित अटैक। बीएसपी 1 जुलाई के बाद में बीएसपी देश में नौजवानों के लिए ऐसी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी बराबर की जिम्मेदार मानती है, जिसने लंबे अरसे तक यहां एक छत्र राज किया और अपने कार्यकलापों की भुक्त भोगी बनकर कांग्रेस केंद्र, यूपी व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई। सीधा हमला नहीं, संतुलित। 29 जून 2021, वैसे इस प्रकार के छलावे वो नाटकबाजी के मामले में चाहे बीजेपी की सरकार हो या सपा की अथवा कांग्रेस आदि की, कोई किसी से कम नहीं, बल्कि दलितों और पिछड़ों आदि का हक मारने और उन पर अन्याय अत्याचार आदि करने के मामले में वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जो सर्वविदित है तथा ये अति दुखद है। ये 29 जून 2021 का ट्वीट। 3 मार्च 2021 में पीछे जाऊंगा। यूपी के हाथरस में महिला उत्पीड़न और पिता की हत्या तथा गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या, ये साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी सरकार में भी दलितों, शोषितों व महिलाओं आदि की जान माल वो आत्मसम्मान कतई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे। इस साल मायावती ने कई ऐसे ट्वीट किए गए जिसमें केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार की तारीफ की गई, साथ ही सरकार को सलाह और नसीहतें भी दी गई। इसमें तलखी कम थी, इसमें आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका भी कह सकते हैं, लेकिन इन ट्वीट्स के बीच से कुछ संकेत भी उभर कर निकलते हैं। देखिए, जो ट्वीट हम लोग आपको दिखा रहे हैं इसमें जो काले अक्षर में है, इन अक्षरों को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये जो हम नीचे ट्वीट में दिखा रहे हैं। पहले एक एक कर वो पुराने ट्वीट भी हमने आपको दिखाया जिसमें उचित कदम और स्वागत शब्द का बार बार इस्तेमाल दिखता है। देखिए, पहली तारीफ की अगर हम बात करें तो इस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। देश में घातक कोरोना प्रकोप के दोबारा बढ़ने के खतरे के मद्देनजर पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज सभी मुख्यमंत्रियों की बुलाई गई बैठक सही व स्वागत योग्य है। वैसे देश में कोरोना टीकाकरण के अभियान को राष्ट्र नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारें इसे और तेज व सुगम बनाएं तो बेहतर होगा। अब आगे देखिए, देश में कोरोना महामारी के चलते बच्चों और बच्चियों की सेहत और सुरक्षा आदि को खास ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के लिए आज किए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है, क्योंकि छात्रों और अभिभावकों आदि के साथ साथ यही समय की मांग थी। आगे देखिए तारीफ, देश में कोरोना प्रकोप की दूसरी लहर के अति घातक सिद्ध होने के बाद अब आगे इससे बचाव के लिए 21 जून से सभी के लिए फ्री टीकाकरण, केंद्र का फैसला देर से सही लेकिन उचित कदम। हालांकि बीएसपी इसकी मांग शुरुआत से करती रही है। तो ये तमाम जो स्वागत योग्य धन्यवाद करते हुए जो ट्वीट से ये कई बातें कहते हैं, सीधे पीएम श्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में वहां के 14 लीडरों की कल 24 जून की बैठक उचित पहल, करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद ही ये बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी और जम्मू कश्मीर राज्य की पुनः बहाली आदि के लिए भी मददगार होगी। ये भी देखने वाला ट्वीट है और ये भी प्रशंसा है। ये सारी चीज हमने इसलिए दिखाई, हमने नहीं कहा, और क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो जो ट्वीट करती है उनके बहुत मायने हैं, क्योंकि मीडिया से जब वो मुखातिब होती है, बीच बीच में मुखातिब होती है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे में इन ट्वीट्स की भाषा और महत्वपूर्ण हो जाती है। सतीश प्रकाश साहब, ये बताइए, जूही जी भी मौजूद है और हमारा सवाल ये था कि सीधी जंग राजनीति की, लेकिन जो बैलेंस करने की सियासत बीएसपी कर रही है इन ट्वीट्स को अगर डिकोड करते हैं तो ये आखिरकार क्या है कि ठीक है कि बीच का रास्ता, और जब भी बीजेपी पर निशाना साधना तो पहले कांग्रेस को कि बीजेपी भी कांग्रेस की तरह ही कर रही है, बीजेपी का आश्रय भी कहीं कांग्रेस की तरह ना हो जाए अगर ऐसा करती रही, तो ये बातें कई सवाल खड़े करती है। सतीश जी, क्या कहना है आपका? रोहित जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीजों को, ये अच्छा है कि आप सही तरीके से रखें, ठीक है ना। मैं एक एक ट्वीट का एक एक लाइन में जवाब देता हूँ। दीजिए दीजिए। सीबीएसई बोर्ड, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, अब आप मुझे, आप कहें तो बोलने दीजिए, आपने आरोप लगा दिए तो एक एक और आपको आपको जवाब दूंगा। सब सुन रहा हूँ, बोलिए। तब बोलना, बोलिए बोलिए जी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए थी या नहीं, आप बताइए। जिनके बच्चे हैं, जिन हालात में सरकार ने अगर निर्णय लिया है, ये आप पाकिस्तान की सरकार भी अगर इस निर्णय को लेती है, आप भारत की सरकार की बात छोड़िए, अगर ये घटना पाकिस्तान में भी होती, हम उसका भी स्वागत करते, हम ऐसी राजनीति नहीं करते। देखिए, कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये भाषा हम नहीं प्रयोग करेंगे।
क्योंकि आप जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी भाषा से बहुत सारे लोग सीखते हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रम की स्थिति ना पैदा हो जाए। हम भ्रम नहीं फैलाएंगे, हम अंबेडकरवादी लोग हैं, हम बुटकेवादी लोग हैं, मानवता नहीं मरने देंगे, समानता की बात करेंगे। राजनीति हमारे लिए बात की चीज है, व्यवस्था परिवर्तन पहली चीज है। कांग्रेस के ऊपर आरोप है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस देश के साथ धोखेबाजी की। हम सरेआम कहते हैं, अगर 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े आपने जनगणना कांग्रेस के समय में हुई, कांग्रेस ने उसके आंकड़े जारी नहीं किए, वही आंकड़े आज बीजेपी दबा के बैठी है। तो इस देश का जो दलित है और इस देश का जो पिछड़ा है उसके प्रति नजरिया बहुत बेहतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी का। देखिए, ये कांग्रेस की महा स्कीम थी, पहली बड़ी स्कीम थी, उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक परिवर्तन होगा, गरीबी हटाओ कार्यक्रम। इस देश से गरीबी नहीं हटी, इस देश से गरीब ही हट गया। आज महामारी के काल में जब बीमारी हटाने की बात आई तो बीमारी नहीं हटी, लोग ही हट गए। तो ये हमारे सवाल है और ये सवाल पूछेंगे। रोहित जी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ, नेशनल पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक मूवमेंट भी है, और सामाजिक मूवमेंट होने का हमने सिर्फ विपक्ष नहीं, हमको किसी का विरोध करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा काम है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो सामाजिक रूप से कमजोर हो, जो धार्मिक रूप से कमजोर हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसके हितों की बात करना, ये किसी के हितों को कम नहीं करना। ये सवाल हम पूछेंगे और ये हमारा मूवमेंट है, हमारी ताकत है ये, और इस ताकत को हम छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल सतीश जी, देखिए मैंने बीच में आपको बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता था आपकी पूरी बात सामने आई। मैं जूही जी से अब सवाल करूंगा। जूही जी देखिए, अनइंटरप्टेड हमने इनको बोलने दिया, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और हमने वो ट्वीट्स भी रखे थे और जो सवाल था वो अभी भी है। क्या कहना है आपका रोहित जी? वो ट्वीट्स एक तरफा घोषणाएं हैं, उनका कोई ना जवाब मांग सकता है ना जो जवाब देना चाहती हैं। तो बड़ी नेता रही होंगी और हैं, उनका सम्मान है। एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को जो जातिगत बेसिस पे जो जनगणना हुई है उसके ज़रूर आंकड़े रखने चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरू से ये कहती है कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस हिसाब से उसको अधिकार दे देने चाहिए। ये समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए। बाकी वो प्रशंसा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक सकारात्मक नेता की भूमिका निभा रही हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के बिना वो कैसे चमत्कार करेंगी ये वो बेहतर बता पाएंगी। और किसके साथ वो खड़ी हैं, आपने 69,000 शिक्षकों की बात की, तो इसमें इंडिकेशन क्या देना? क्या वो स्पष्ट नहीं कह सकती है कि भ्रष्टाचार हुआ है? क्या वो स्पष्ट नहीं कह सकती है कि आरक्षण में धांधली हुई है? क्या वो स्पष्ट नहीं कह सकती है कि जब नियुक्तियां होती हैं तो क्यों एक सवर्ण जाति के लोग नियुक्त कर दिए जाते हैं, उसमें उनको कहने में कोई गुरेज है क्या? तो वो कह सकती है। बाकी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराना और इतिहास में जाना कि कांग्रेस जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी 7 साल से तो है और यहाँ तो है, तो मैं बताना चाहूंगी कि जी आपका भी यही कहना है कि सीधे हमले से बचना। सतीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं कुछ और आंकड़े आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं हम सिर्फ तथ्यों पर बात करते हैं, मैं आंकड़ों पर बात करता हूं, कोई अपनी तरफ से हम नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं, जो है चीजें वो आपके सामने। इस साल मायावती के सरकार से जो सवाल मायावती ने पूछे वो हम आपको बताते हैं। 4 जनवरी गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिरने पर, 6 जनवरी बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात पर उन्होंने सवाल उठाए, 8 जनवरी पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी पर सवाल उठाए, 27 जनवरी किसान आंदोलन के मुद्दों का समाधान न होने पर भी सवाल उठाए, 15 फरवरी पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ने पर भी सवाल उठाए, 17 फरवरी वकील और व्यापारी की हत्या पर सवाल उठाए, 18 फरवरी उन्नाव में दलित बच्चियों की संदिग्ध मौत पर सवाल उठाया, 21 फरवरी रसोई गैस की कीमत में हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया, 22 फरवरी यूपी के बजट को निराशाजनक बताया, 3 मार्च हाथरस में महिला उत्पीड़न के मामले पर, 19 मार्च योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर, 25 मार्च यूपी की महिला सुरक्षा को लेकर, 23 अप्रैल कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर, 30 अप्रैल पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की मौत पर, 7 मई पंचायत चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा पर, और 25 मई के साथ आंदोलन के 6 महीना पूरे होने पर, 13 जून पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचने पर, 15 जून प्रतापगढ़ में एबीपी संवाददाता की संदिग्ध मौत के मामले पर, 1 जुलाई यूपी में बेरोजगारी को लेकर भी मायावती ने सरकार से सवाल पूछे।
लेकिन ये एक वो सवाल थे, उनका जिक्र हमने कर दिया। लेकिन जो हाल में ट्वीट है सतीश जी, और अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन मोड में है, जूही सिंह जी की पार्टी भी इलेक्शन मोड में है और बिल्कुल सीधी आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, राजनीति में संतुलन जरूरी है, हो सकता है रणनीति हो, लेकिन ये कैसा संतुलन? हमने आपके लिए जो सवाल उठाए वो भी बता दिए, ताकि आप ये ना कहें कि साहब हमने वो बातें नहीं बताई। अब आप बोलिए। देखिए देखिए, मैं आपको, आप जो चर्चा हुई जम्मू कश्मीर में, जब वो तमाम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, बहन जी का ट्वीट था कि ये स्वागत योग्य है, उसको आप बीजेपी समर्थन से कैसे जोड़ेंगे? अरे बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। 1996 में हमने जम्मू कश्मीर में पैंथर पार्टी के साथ मिलकर के 4 विधानसभा सीटें भी जीती है। 2001 में हमारे पास एक विधायक आया। जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी का तमाम संगठन काम करता है। इस देश के हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी, इवन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुजन समाज पार्टी का तमाम कार्यकर्ता और उसका संगठन काम करता है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती है कि वहाँ चुनाव हो और भारत सरकार वहाँ चुनाव, मेरा मानना भी है कि वहाँ चुनाव होना चाहिए, लोकतांत्रिक, ठीक है, ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, चलिए सही बात है, स्वागत सबको करना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है कि 69,000 शिक्षकों की बात आती है तो इनडायरेक्ट बात क्यों करना, उनकी बात तो सीधी बात होनी चाहिए। या आप उनके साथ खड़े हैं तो कहिए डंके की चोट पर खड़े हैं आप, उसमें फिर पुरानी सरकारों को दोषी ठहराकर कि बेरोजगारी हो रही है। रोहित जी, जी रोहित जी, ये सच है, ये सच है जोरी जी, तो मैं सम्मान करता हूँ। इस देश में 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और जब तक तमाम पिछड़ों की राजनीति इस देश में काबिज नहीं थी, मंडल कमीशन को लेकर के तमाम इस देश के दलित संगठनों ने पिछड़ों के आरक्षण की मांग करी। तमाम वो संगठन और तमाम उन लोगों के आंकड़े हैं। माननीय काशीराम जी ने जो पहला बुगुल बजाया, और दूसरी बात, आज भी हम कहते हैं, हम खत सुनिए, इस देश में 13 पॉइंट रोजगार सिस्टम के नाम पर एससी एसटी और ओबीसी के तमाम पदों को बीजेपी ने खत्म किया, तब सपा के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, हो सकता है कि इनके पास इन्फॉर्मेशन ना हो। इस देश में तमाम, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे सड़कों के ऊपर आंदोलन हो, हमने सरकार को मजबूर किया, हमने बताया कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का कहीं ना कहीं शिकार दलित के साथ साथ पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और जो 5,000 वैकेंसियां, देखिए मैं एक बात रोहित जी बताता हूँ आपको, जी हो सकता है कि मैं जाति खत्म करना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं लोग उसको कहते हैं कि जातिवादी लोग है। माननीय अखिलेश जी का 2012 से 2017 के बीच में तमाम ऐसे काम है सपा के जो तमाम दलित विरोधी है, लेकिन मैं उनको आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन यही योगी जी जब मकान खाली किया मुख्यमंत्री का, अखिलेश जी ने, हमने कहा कि गौमूत्र से और गंगा जल से जो मकान योगी जी धो रहे हैं, एक हमारे पिछड़े भाई का जिनका एक जाति एड्रेस गलता था, आज उनको याद दिला दिया और ये कहीं ना कहीं गलत है, आप उसको उठा करके देखिए। ठीक है सतीश जी, अब मैं आपको रोकूंगा और एक फाइनल कमेंट के लिए मैं जूही जी के पास आऊंगा। सतीश जी आपको रोक रहा हूँ, जूही जी क्या कहना है, इनका निशाना आपकी तरफ भी है, लेकिन हमारा सवाल एक है, सीधा सवाल है कि चुनावी जंग है, आप किस तरफ खड़े? हालांकि आप, हर पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है कि आपको संतुलित होकर चलना है, आपको अग्रेसिव चलना है, सबकी अपनी अपनी नीति हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद यह है कि हम जनता के सामने बात रखें कि वो नेता जिनको, जो हमारे पास वोट मांगने आने वाले हैं, ठीक है, मैं अंडमान से निकोबार तक, मैं नहीं कहूंगा कि मैं अंडमान निकोबार में जाकर भी मैंने पत्रकारिता की, मैं पिछले लगभग 2 दशक से उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं अपने प्रदेश से जुड़े हुए दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों सबके बारे में सवाल पूछूंगा कि आखिरकार उनके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। आपसे भी पूछूंगा जूही जी, और बसपा से भी पूछूंगा, बीजेपी से भी पूछूंगा। जूही जी बताइए क्या कहना आपका, फाइनल कमेंट आपका। रोहित जी, जिस तरह आप स्पष्ट पत्रकारिता करते हैं, मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी भी उसी तरह स्पष्ट और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, सवाल पूछेगी भी और जनता से रिक्वेस्ट करेगी कि जो अभी तक शासन कर रहे थे उनकी जवाबदेही तय करें। जनता अच्छी तरह जानती है कि काम बोलता है किसका स्लोगन है और केवल घोषणा और झूठ बोलना किसका काम है, जनता निर्णय करेगी। लेकिन हम मुद्दों से नहीं हटेंगे, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, दलितों के साथ अत्याचार, पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करना और विभाजन करना, ये सभी मुद्दे हैं और इसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। जी रोहित जी,
बिल्कुल जूही जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। देखिए, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे थे और बिल्कुल अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, और हम चाहते हैं कि आपकी बात निकले, इसलिए हम कोई अपने शो में उस तरह के सवाल नहीं पूछते। देखिए, हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, उत्तर प्रदेश। कहीं ना कहीं मिलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और राजनीतिक रूप से इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, एबीपी गंगा का एक एजेंडा है, रोहित सावल का एक एजेंडा है, वो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी जुड़ने के लिए, जूही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की सियासत में असमंजस बढ़ता जा रहा है। हफ्ते भर से यहां की राजनीति में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसकी ठोस वजह भी है। सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में हैं। दिल्ली के दौरे पर आए तीरथ सिंह रावत का एजेंडा क्या है, इसको लेकर बड़ी उलझन है। इसका एक सिरा उपचुनाव से जुड़ता है। उपचुनाव तो चुनाव आयोग को कराना है, लेकिन तीरथ सिंह रावत कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस पर उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा आलाकमान की तरफ से तस्वीर साफ की जाएगी। माना जा रहा था कि सीएम तीरथ सिंह रावत खुद इस मुद्दे पर कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बयान अब तक नहीं आया है। पार्टी संगठन के किसी बड़े नेता ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। यह वो संकेत है जिससे असमंजस लगातार बढ़ता जा रहा है। तीरथ सिंह रावत का अगला कदम क्या होगा, या फिर उनको लेकर भाजपा का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। इस बीच उत्तराखंड भाजपा के बड़े नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज दिल्ली में मौजूद हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि आगे क्या होता है। जी हां, सवाल यह है कि इतना सस्पेंस क्यों है। सीएम तीरथ रावत के सियासी भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज है। सीएम तीरथ रावत के दिल्ली दौरे के एजेंडे पर उलझन है कि वो किस वजह से आए, किस सीट से वो उपचुनाव लड़ेंगे। तीरथ सिंह रावत भाजपा की तरफ से अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, बार बार कह रहे हैं चुनाव चुनाव आयोग को कराना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये तो साफ कर सकता है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो ये तो कह सकता है कि अगर शब्द का इस्तेमाल करके भी कहते तो शायद उलझन दूर हो जाती कि अगर उपचुनाव हुए तो तीरथ सिंह रावत यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, यहां से लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है, इसीलिए यह सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ना तीरथ सिंह रावत ने कुछ कहा, ना बड़े नेताओं ने कुछ कहा, जबकि ये वो पार्टी है जिसके तमाम नेता सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहते हैं। भाजपा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है, लेकिन उत्तराखंड के मामले में मौन क्यों हुए, और ये मौन कई सवाल खड़े करता है। अंदर खाने कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये सवाल भी खड़ा करता है। जल्दी से दिल्ली से लेकर देहरादून तक क्या हलचल है, पहले सबसे पहले दिल्ली में चलते हैं। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अविनाश, दिल्ली में तीरथ सिंह रावत कल और आज का उन्होंने क्या क्या किया, उनकी क्या दिनचर्या रही दिल्ली में, किससे मुलाकात की, जल्दी से बताएं अविनाश। देखिए रोहित, अगर बात करें तो कल लगभग 1:30 बजे वो दिल्ली में उत्तराखंड सदन पे पहुंचे, और उसके बाद अगर बात करें तो 4:30 बजे तक उत्तराखंड सदन में रहे। उसके बाद 4:30 बजे वो कावेरी स्थित अपने जो सांसद फ्लैट है उसमें पहुंचे, और तब से उसी में है। हालांकि देर रात वो 11:30 बजे जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से उनको फोन आया, उसके बाद वो मिलने के लिए जरूर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, और 1:30 बजे रात को फिर अपने कावेरी स्थित अपार्टमेंट में जो घर है वहां पर वो आ गए, और तब से लेकर अब तक वो वहीं पर मौजूद है। रोहित, एक चीज मैं और बता दूं, मैं पिछले 7 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूं और कई मुख्यमंत्रियों को मैंने देखे, पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मैं देख रहा हूं जो पिछले 24 घंटे होने को आ रहे हैं अपने घर के अंदर मौजूद हैं और किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। यानी कि जितने भी लोग उनसे मिलने के लिए आए, बहुत ही चुनिंदा लोगों से उन्होंने मुलाकात की। दिन भर में अगर आज बात करें तो जो दो उनके सहयोगी आए हैं, खासतौर से जो दो IAS अधिकारी उनके साथ आए हैं, वो तो मौजूद रहे। इसके अलावा जो मिलने वाले आए उनमें से केवल 2 से 3 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा वो किसी से मुलाकात कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी के आलाकमान की तरफ से उनको क्या आदेश दिया जाता है, क्या आगे करना है और किस तरीके से आगे चलना है, उसी के इंतजार में वो बैठे। जबकि इससे पहले वो 3 बार दिल्ली आ चुके हैं और उन्हें इतने दिल खोल कर लोगों से मुलाकात की है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो, चाहे पत्रकारों के साथ हो, चाहे उनसे मिलने। अविनाश, तो आपने बता दिया कि वो इंतजार कर रहे हैं अगले आदेश का, यानी वेट एंड वॉच। अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े। अजीत, क्या कहना है आपका, दिल्ली में वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब तस्वीर अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व साफ कर दे, चुनाव आयोग को कराना, वो ये बता दे वो किस सीट से उपचुनाव लड़ेंगे तो शायद, लेकिन चर्चाएं और अटकलें तेज हैं, क्या कहना है आपका अजीत।
रोहित, देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है, और जिस तरह से दो दिन से मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं तो यहाँ पर एक इंतजार हो रहा है देहरादून को, यहाँ पर एक इंतजार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ एक इंतजार हो रहा है उत्तराखंड की जनता को कि दिल्ली से क्या मार्गदर्शन मिलने वाला है, और सभी लोग इसी बात के इंतजार में हैं कि मुख्यमंत्री आखिर वहाँ दो दिन से हैं तो शेड्यूल क्या है। अनशेड्यूल मुख्यमंत्री का दो दिन तक वहाँ रहना लोगों को चिंता में डाल रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक बेचैनी बढ़ती जा रही है। भाजपा नेता लगातार मीडिया से संपर्क कर रहे हैं कि आपको अगर कोई खबर हो दिल्ली में क्या हो रहा है तो हमें बताइए। लोग यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं सभी को, जितने भी मीडिया जगत के लोग हैं सबसे संपर्क करे हुए हैं सभी लोग, और भाजपा में ज़्यादा बेचैनी हुई है इसे लेकर के। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का भी अपना वहाँ एक जद्दोजहद वहाँ पर चल रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए जिस तरह से बीजेपी का यहाँ माहौल बहुत ही एक भ्रम जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई है, वो कांग्रेस को बहुत अपने लिए मुफीद दिख रही होगी। लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ताओं में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की हताशा है कि उनके मुख्यमंत्री पिछले दो दिन से दिल्ली में हैं और कोई शेड्यूल नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, तो उसको लेकर के अजीबोगरीब हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। अब यहाँ पर केवल और केवल इस बात की प्रतीक्षा हो रही है कि कल मुख्यमंत्री लौटते हैं तो लौटने के बाद उनका पहला कार्यक्रम क्या होगा। वो देहरादून लौटने के बाद सचिवालय जाएंगे या जिस तरह से दो दिन से दिल्ली में अपने घर के अंदर हैं यहाँ पर सचिवालय आएंगे या अपने घर जाएंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, और भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, आखिर ये कौन सी रणनीति है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही पसोपेश में डाल रही है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और एक इंतजार हो रहा है कि दिल्ली आखिर क्या करने वाला है। जी बिल्कुल, तो दिल्ली आखिर क्या करने वाला है इसका इंतजार। अजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अविनाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश आप नजर बना के रखें और पल पल का अपडेट देते रहिए। उत्तराखंड में बढ़ती हुई सियासी हलचल के बीच आम आदमी पार्टी के एक ऐलान ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। पार्टी ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अगर गंगोत्री सीट से उपचुनाव लड़ते हैं तो आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को गंगोत्री से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। कर्नल अजय कोठियाल का दावा है कि उपचुनाव उत्तराखंड की राजनीति की तस्वीर बदल देगा। आपका दावा है कि तीरथ सिंह रावत की गंगोत्री उपचुनाव में विदाई से उत्तराखंड में नव निर्माण की शुरुआत होगी। खुद कर्नल अजय कोठियाल हमारे साथ मौजूद हैं। कोठियाल साहब क्या कहना है, तो ये चुनौती आम आदमी पार्टी के नेता की है या ये चुनौती एक फौजी की है, ये चुनौती उस परिवर्तन की है जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या कहना है कोठियाल साहब आपका? मेरी ये आवाज आ रही है ठीक और सही लाइन पे बैठा हूँ मैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज बड़े साफ तौर पे आ रही है कर्नल साहब, आप अपनी बात करें। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 साल में, जब से मैं उत्तरकाशी में रहा हूँ, पहले तो आर्मी में था और उसके बाद में जब मैं सोशल सर्विस में था, और आज की जो स्थिति है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दो नेशनल पार्टीज, उन्होंने जिस तरीके से भी 20 साल में उत्तराखंड की तरफ देखा है, उत्तराखंड की तरफ जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसके जो इनिशिएटिव लिए हैं वो तो नॉर्मल जनता, आम जनता किसी को भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। अब एक हर कोई देख रहा है थर्ड विकल्प, थर्ड अल्टरनेटिव। हमारे से लोग इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं जो कि पहाड़ों में कहते हैं बहुत मुश्किल है। केदारनाथ पुनर निर्माण होगा, यूथ फाउंडेशन कैंप के थ्रू इंप्लॉयमेंट करे होंगे, अब इन सबको देखते हुए हमें नहीं लगता कि ये चुनौती कोई बहुत बड़ी है। लोगों की हमसे उम्मीद है, हमने एक पैटर्न बना करके इसको लेके चलना है, और वही सोच करके हमने कहा कि एक जो हमसे उम्मीद करी जाती है हम सबको बताते हैं, गंगोत्री में शुरुआत में चुनाव लड़के, ये जो अभी इंटरिम इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि हमें पता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे क्योंकि एक ही एक वैकेंसी खाली हो रखी है और 6 महीने के अंदर उनको लड़ना है। रिजाइन करना तो मेरे को लगता नहीं है कोई लॉजिक बनता है, एक बार एक चेंज हो गए फिर दूसरे आ गए फिर वो भी रिजाइन कर गए तो फिर कोई जो लॉजिक नहीं है, तो उत्तराखंड में यही जगह है। बिल्कुल, तो कर्नल साहब अब ऐसे में बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, संगठन के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, संगठन हमारा काम कर रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि इनके संगठन को आपकी रणनीति मात दे देगी? हमारी रणनीति क्या है, जो लोगों को हमने रोजगार देने की कोशिश करी है जब हमारे पास कोई जरिया नहीं था वो हमारे साथ हैं, एक्स सर्विस मैन है, एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं वो लोग हमारे साथ में हैं, आज जो यूथ है जो हमको एक मोटिवेशन देता है और हमारे को एक मोटिवेशनल फिगर मानता है वो हमारे साथ हैं, अक्रॉस जितनी भी पार्टीज हैं उसकी यूथ विंग होती हैं अगर आप फॉलो करेंगे या कोई फॉलो करेगा तो वो सब ना हमारे साथ में घूम रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जो विमेन है, महिला, यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो हमको आशीर्वाद देती है,
आजकल हम यहाँ पे जो अपना विजिट कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर के, इतने बड़े स्केल पे वहाँ पे लोग हमको जो ज्वाइन कर रहे हैं, पहले हमको सुन रहे हैं, फिर कुछ सुझाव दे रहे हैं, और उसके बाद जो ज्वाइन कर रहे हैं वो तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी एक अपनी एंटिटी है जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वही हमारा, मैं बोलूंगा कि फॉलो अप, हमारा सपोर्ट। कोठियाल साहब, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ते हैं गंगोत्री सीट से, और उसके बावजूद भी अगर उपचुनाव होता है, तब भी आप वहां से ताल ठोकेंगे? नहीं, तब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम पूरे उत्तराखंड के नवनिर्माण का जो प्लान है उसको, जो नेचुरल तरीका है, उससे लेके चलेंगे। इस इलेक्शन लड़ने का मकसद ही है कि जो लोग हमसे पहाड़ों के उम्मीद करते हैं कि आप क्या किस तरीके से पहाड़ों में आम आदमी पार्टी के जो आइडियाज हैं उनको हमको समझाओगे, ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका, एक मॉडल है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोठियाल साहब, ये बताइए, आज अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके आपको बधाई दी कि पार्टी ने आपको गंगोत्री सीट से उपचुनाव में लड़ने के लिए आपके नाम का ऐलान किया है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आम आदमी के, पहाड़ों को मैं अच्छे से समझता हूं, लेकिन ये बताइए कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा उत्तराखंड की जनता हाथों हाथ लेगी? क्योंकि एक सेट पैटर्न है उत्तराखंड की जनता का, कांग्रेस बीजेपी, आप भी देखते हैं सालों से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे ना एक बड़ा सेट पैटर्न रहा है, दो पार्टीज आपस में इंटरचेंज करते रहती हैं पिछले 20 साल में, लेकिन साथ में ये है कभी ना कभी तो जनता, चाहे कितनी भी सिंपल हो, कितनी भी रिमोट एरिया की हो, वो भी तो देखती है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी चिंता होती है, खासकर उन बुजुर्ग महिलाओं को, उन पुरुषों को जिनके बच्चों को आज ना आगे रास्ता ही नहीं पता करना क्या है। रोजगार तो एक शब्द हो गया, लेकिन रोजगार से पहले उस यूथ को एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि उसे क्या फॉलो करना है, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें तो तीसरा विकल्प तो वो देख ही रहे हैं। कर्नल साहब, एक बात कुठियाल साहब, एक और बात आप बताइए आखिर में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, यहाँ पर उत्तराखंड जब से प्रदेश बना तब से जिस तरह से मुख्यमंत्री बदलते गए, चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, और ऐसे में प्रदेश का विकास किस तरह से छूटा, किस तरह से वो डोर कमजोर हुई, वो सबने देखा, आपने भी महसूस किया कर्नल साहब, लेकिन आप ये बताइए कि जिस प्रदेश में हिमालय खड़ा है, हमारे इस प्रदेश में अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं अटल खड़े रहे हिमालय की तरह? क्या वजह आप मानते हैं कोठियाल साहब, और क्या कर्नल कोठियाल, उत्तराखंड की जनता जो आपको इस वक्त देख रही है, आपको लगता है कि क्या हम माने कि कर्नल कोठियाल हिमालय की तरह अटल डटकर खड़े होंगे उत्तराखंड की जनता के साथ? कर्नल कोठियाल को जानते हैं इसलिए क्योंकि वो हिमालय में डट कर काम करता है, और अगर वो ग्राउंड पे काम करता है ना तो जनता के साथ वो नहीं खड़े होंगे, जनता उसके साथ में खड़ी है, उसकी आंखों में आंखें मिला के देखती है। आपके जरिए मैं जरूर बताना चाहूंगा सबको, जब मेरे को ना कोई घूरता है तो इसलिए नहीं घूरता कि क्या कर रहा है तू, वो कहते हैं सर हमको तेरे से उम्मीद है, अपनी आंखें मत डगमगाना, ऐसा आदमी क्या हिमालय की तरह अडिक शादीशुदा है नहीं, आर्मी का एक्सपीरियंस है, जिंदगी में सारे वो काम करे हैं जो आम आदमी को करने के मौके नहीं मिलते, उसको तो मजा आ रहा है यहाँ पे करने के लिए। दूसरी बात है, जो और जो बदली होते रहते हैं नेता मुख्यमंत्री, अब मेरे को नहीं पता उनकी क्या काबिलियत होती है या पार्टी के क्या सिस्टम होते हैं। अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा दिया है कि कर्नल साहब आपके विचार हमारे विचार से मिलते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप पहाड़ की समस्याओं को समझो, ठीक है। कर्नल साहब माफी के साथ रोक रहा हूँ, वक्त क्योंकि कम है, एक छोटा सा सवाल और। कर्नल साहब, आप आर्मी में रहे और बिल्कुल आप पहाड़ से आते हैं, लेकिन आर्मी में कड़क स्वभाव एक जनरल पैटर्न माना जाता है कि जो आर्मी के लोग हैं उनका कड़क स्वभाव रहता है, लेकिन राजनीति में तो कड़क स्वभाव बड़ा कम चलता है, तो क्या लगता है, क्या ये बात कहीं आड़े आई आपके? ये व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आर्मी में भी लीडरशिप देखी जाती है, पॉलिटिक्स में भी ना, मतलब आप इसको पॉलिटिशियन बोलते हैं वो तो सिस्टम और जो परिभाषा है बदली हो गई, नहीं तो एक पॉलिटिकल लीडर उसमें भी ना लीडरशिप देखी जाती है। लीडर को कहीं ना कहीं दबंग भी रहना है, कहीं ना कहीं जो उससे उम्मीद करते हैं उनकी तरफ अंदर से भी मुस्कराना है, बाहर से भी मुस्कराना है। आर्मी में भी आप टोकते हैं लेकिन शाम को, ठीक है। तो कर्नल साहब, यानी ये माना जाए कि जोश हाई है? जोश हाई तो हमने और लोगों का करना है ताकि कभी हमारे विपक्ष में जो आएंगे वो बिना आकर के हमसे कोई अच्छी बातें कर सके और हम तरक्की करें उत्तराखंड की, नव निर्माण को और स्पीड से करें। तो बिल्कुल कर्नल कोठियाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो कर्नल कोठियाल साहब कह रहे हैं कि जोश तो हाई, अपने साथ काम करने वाले लोगों का करना है, यानी वो उत्तराखंड को पूछ रहे हैं कि हाउ इज द जोश।
अब ये जोश हाई है या लो है ये चुनावी मैदान में पता चलेगा। लेकिन बात तो चुभेगी में, आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।